हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को उद्भिलाव के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्भिलाव जल और स्थल दोनों जगह पर रहने वाला एक स्तनधारी जानवर है। ये जानवर तो अपना अधिक समय पानी में ही व्यतीत करता है। उद्भिलाव मांसाहारी जानवर है। उद्भिलाव की लगभग 13 प्रजातियां संसार भर में मिल जाती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। उद्भिलाव अधिकतर समय पानी में ही व्यतीत करता है। उद्भिलाव तालाब, समुद्र, झीलों और नदियों के आसपास रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उद्भिलाव शेलफिश पत्थर से तोड़कर खाते हैं। इनके शरीर का आकार 6 फुट लंबा होता है और वजन 40 किलोग्राम तक हो सकता है। समुद्री उद्भिलाव के शरीर पर घने बाल होते हैं, वो उनके शरीर को गर्म रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उद्भिलाव पानी में तैरते हैं तो उनके नाक और कान बंद हो जाते हैं, इसलिए इनके शरीर के अंदर पानी नहीं जा पाता है। उद्भिलाव को एक पूंछ भी होती है जो तैरने में मदद करती है। उद्भिलाव के नाक और आंखें छोटी होती हैं और बेलन के आकार के इनके शरीर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके मुंह में तेज और नुकीले दांत होते हैं जो कि शिकार को खाने में मदद करते हैं, और पंजे बहुत तेज होते हैं इसलिए वो शिकार को दबोच लेते हैं। आप जानते होंगे कि इस जानवर के 4 छोटे पैर भी होते हैं और ये इसी पैर से चलते और तैरते हैं। इनके पैर झिल्लीदार होते हैं, इसी से उन्हें तैरने में आसानी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जानवर पानी में 60 फीट तक गोता भी मार लेता है और 8 मिनट तक पानी में अपनी सांस को रोक भी सकता है। उद्भिलाव भोजन में मछलियाँ, घोंघा, मेंढक, केकड़ा को खाते हैं। ये जानवर बिल में रहना पसंद करते हैं, वो बिल समुद्र और तालाब के किनारे होते हैं। उद्भिलाव जिस बिल में रहता है वो बिल किसी अन्य जानवर के द्वारा बनाया गया होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जानवर 3 साल के बाद बच्चे देती है और ये पानी में बच्चों को जन्म देती है। बच्चे पैदा होने के वक्त उनकी आंखें बंद होती हैं और बच्चों की आंखें 1 महीने बाद खुल जाती हैं। इनके बच्चों को पुप्स कहा जाता है। नर उद्भिलाव मादा से बड़ा होता है। इस जानवर का जीवन काल लगभग 15 साल का होता है और अगर इन्हें कैद में रखा जाए तो ये 20 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। तो मैंने आपको उद्भिलाव के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।